हेलो गाइस, वेलकम टू आपके फैक्ट्स। और क्या आपको पता है कि इंडिया को रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन देने की बात कही है? असल में गाइस, हमारे इंडिया के जो न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्रा या चक्र, आप जो भी उसे कहना चाहें, उसका कोई भी वेरिएंट मेड इन इंडिया नहीं है, बल्कि गाइस उसके सारे वेरिएंट मेड इन रसिया ही थे और रसिया से इंडिया उन्हें लीज पर लिया करता था। और इसकी शुरुआत हुई थी 1987 से, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। तब गाइस रसिया ने पहली बार इंडिया को अपनी सोवियत न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन K-43 दी थी और इंडिया ने इसे 3 सालों के लिए लीज पर लिया था 1987 से 1991 तक के लिए। और इस न्यूक्लियर सबमरीन की टॉप स्पीड 37 किलोमीटर पर आवर होती थी पानी के ऊपर, और पानी के अंदर इसकी टॉप स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी। और गाइस उस टाइम पर कई सारे डेंजरस वेपन्स यानी कि खतरनाक हथियारों के साथ चला करती थी, जैसे गाइस एंटी शिप क्रूज मिसाइल और एंटी सबमरीन मिसाइल्स और कई सारे डिफरेंट टाइप के टॉरपीडोज के साथ चला करती थी। और गाइस यह फर्स्ट टाइम था जब हम इंडिया ने न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट किया था। और फिर गाइस K-43 को 1991 में रसिया को लौटा दिया जाता है। बट फिर गाइस हम इंडियंस ने जो इस पर एक्सपीरियंस किया था और टेक्नोलॉजी को जाना था उसकी और थोड़ी सी रसिया की हेल्प से, हम इंडियंस ने 2009-10 में अपनी फर्स्ट मेड इन इंडिया न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत बनाते हैं, जिससे हमारे देश भारत का नाम भी न्यूक्लियर सबमरीन वाली कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाता है। और उसके बाद गाइस 2012 में अगेन इंडिया ने रसिया से वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लास के न्यूक्लियर सबमरीन्स में से एक अकुला क्लास की निप्रा K-152 को 10 इयर्स यानी कि 10 सालों के लिए लीज पर लेता है $670 मिलियन पर, जो कि 2012 से ही इंडियन नेवी में सर्व करना स्टार्ट कर देती है। बट फिर गाइस जून 2021 में सबमरीन के न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ खराबी आने के कारण से न्यूक्लियर सबमरीन के मेंटेनेंस में भी कमी होने के कारण डेडलाइन 2022 से पहले ही इस सबमरीन को रसिया भेज दिया जाता है। और सबमरीन में आई प्रॉब्लम का बिहाइंड द रीजन यह बताया जाता है कि सबमरीन का इंडियन नेवी ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से यूज किया था क्रू को ट्रेन करने के लिए, इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में खराबी और मेंटेनेंस में कमी आई थी। और अब अगेन इंडिया रसिया से अगेन एक खतरनाक अकुला क्लास की न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन प्रोजेक्ट 971 की K-391 ब्रासक लेने वाला है, जिसके लिए इंडिया ने $3 बिलियन की डील भी की थी रसिया के साथ 7 मार्च 2019 में। और अभी इस सबमरीन पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है और मेंटेनेंस कंप्लीट होते ही 2025-2026 तक यह खतरनाक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन इंडिया को डिलीवर कर देगा रसिया, जिसकी टॉप स्पीड पानी के ऊपर 19 किलोमीटर पर आवर है। बट गाइस पानी के अंदर जाते ही इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। ऑलमोस्ट 480 मीटर यानी कि ऑलमोस्ट 500 मीटर की गहराई में रहकर यह अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है। और साथ ही गाइस ये सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल और कई सारे डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स और टॉरपेडोज को कैरी करेगी। और अब बस देखना यही है कि रसिया इसकी डिलीवरी देता है या नहीं, बिकॉज गाइस रसिया ऑलरेडी वॉर में है और रसिया की ऑलमोस्ट सभी कंपनीज पर भारी भरकम सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। और गाइस साथ ही अमेरिका और दूसरी कंट्रीज इसकी डिलीवरी होने देते भी हैं या नहीं। इंडिया ने जो फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ली थी रसिया से, उसका नाम दिया था इंडिया ने INS चक्रा, और दूसरी जो ली थी उसका नाम दिया गया था INS चक्रा सेकंड, और अब जो थर्ड आने वाली है उसे नाम दिया गया है INS चक्रा थर्ड। तो बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। मिलते हैं अपने को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I see the fire.